हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको घुमा रही हूँ लंदन से बहुत ही पास एक स्ट्रॉबेरी फार्म। तो यहाँ कैसे आना है और यहाँ देखने के लिए और क्या क्या चीजें हैं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। वैसे तो आप लंदन से डेबिट क्रेडिट कार्ड या ऑयस्टर यूज करके भी यहाँ तक जा सकते हैं, बट अगर आप रेल कार्ड जो फैमिली एंड फ्रेंड रेल कार्ड होता है उससे टिकट बुक करेंगे तो आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लंदन से यहाँ आने पर आपको बाई ट्रेन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा कि सारी ट्रेन अवेलेबल हैं या नहीं। और इसके एंट्रेंस में ही आप लीफलेट्स लेना ना भूलें, क्योंकि फार्म बहुत बड़ा है तो आपको ये लीफलेट से ये आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स हैं और ये किस किस सीजन पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ की टिकट आपको ऑनलाइन ही पहले से एडवांस में बुक करनी पड़ेगी। तो हमने जो अपनी टिकट है ये आफ्टरनून 2 o'clock की थी। तो टिकट बुक करते वक्त ये बताया जाता है कि आपको 2 hours मिलेंगे ये फार्म में, बट हमने यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे स्पेंड किए थे। तो ऐसा कोई रश नहीं है, आप आराम से ये फार्म घूम सकते हैं। तो इसके एंट्रेंस में ही सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रेट लिखे हुए हैं। यहाँ से आप ट्रॉली भी ले सकते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा ये फार्म घूमने में। तो 4 pounds पर हेड आपको वाउचर दिया जाएगा जिससे आप उतने के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा लिया तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो स्ट्रॉबेरीज एंड अदर बेरीज के लिए हमको पेपर के छोटे छोटे बास्केट मिले और हमने स्टैंड में से ट्रॉली ले ली ताकि हम आसानी से ये पूरा फार्म घूम सकें। तो सबसे स्टार्टिंग में है यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर अभी अच्छे से पके हुए नहीं थे, मिड अगस्त से इसकी पिकिंग स्टार्ट होगी। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं वेजिटेबल्स तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक टिप है, आप फार्म में जाते ही सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज या फिर रेसबेरीज ना तोड़ें, क्योंकि धूप की वजह से वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले वेजिटेबल्स तोड़ लें और जाने के जस्ट पहले आप स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज रेसबेरी आप वो तोड़ें। तो यहाँ हम सबसे पहले पिक करने आए हैं स्वीट कॉर्न और आदि बहुत ही एक्साइटेड है। दिखा अरे दिखाओ मुझे कौन और दूसरा टिप ये है कि यहाँ पर आपको कोई कैंटीन नहीं मिलेगा जहाँ से आप खाना ले सकते हैं, तो आप अपने साथ अपना खाना कैरी करें। वैसे यहाँ पर पिकनिक मनाना मना है लिखा गया है, बट यहाँ हमने काफी लोगों को देखा जो पेड़ के नीचे शेड में आराम से खा रहे हैं, और हम भी कुछ कैरी किए थे खाना अपने साथ, तो हमने वो खाया। तो ये जो फार्म है ये मोस्टली समर्स में ही होता है, तो आप अपने साथ वाटर बॉटल भी कैरी करें। तो स्वीट कॉर्न के बाद हम चल पड़े थे फ्रेंच बीन्स लेने के लिए। तो मेरा बेटा जो आदि है उसे बीन्स की सब्जी बहुत पसंद है, और स्पेशली जब उसमें पीनट पाउडर डाला हो। तो उसने कभी देखा नहीं था कि बीन्स की सब्जी आखिर जो बीन्स होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं। तो ये जो सारा ट्रिप है इसमें मुझे आदि के एक्साइटमेंट देखकर बहुत ही मजा आया, क्योंकि छोटे बच्चे इनके नहीं पता होता है कि वेजिटेबल्स कैसे उगते हैं, फ्रूट्स कैसे उगते हैं। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप समर में उन्हें यहाँ लाना तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अब बारी थी मेरे फेवरेट पालक की, और उसके साथ ही था यहाँ पर बीट रूट। निकला हुआ नहीं चाहिए, निकालना है। दिखाओ, निकला, हैप्पी, वाह। और फिर था कॉटेज, जिसे आई थिंक हमारे घर में कहते हैं गिलकी। तो एक बड़ी सी गिलकी हमको तो मिली, बट मैं छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट गिलकी सर्च कर रही थी, और मैं अगर आपको सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता था कि गिलकी इस तरीके से फ्लावर से निकलती है। तो सारे वेजिटेबल्स होने के बाद अब बारी थी रेसबेरी स्ट्रॉबेरीज बाकी बेरीज की। आदि को सारे बेरीज बहुत ही पसंद है। तो यहाँ तीसरा टिप ये है कि जब आप रेसबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज तोड़ें आप उसे दूसरे बास्केट से कवर कर दें और अपनी ट्रॉली को शेड में रखें ताकि ये जल्दी खराब होना स्टार्ट ना हो।
मैं खाऊं? जब हम गए तब रेड करंट एंड जो ब्लैक करंट है ये इतने ज्यादा नहीं थे, हमें बस थोड़े थोड़े ही उसे प्लांट में मिले। और अब बारी थी ब्लैक बेरीज की। तो वैसे यहाँ बहुत सारी जगह पे लिखा गया है कि यहाँ पर खाना मना है, बट मैं सच बोलूँ तो पेड़ से तोड़ने के बाद इसे आप बिना खाए रह नहीं पाएंगे, तो आप एक दो पीस खा सकते हैं, मेरा मानना है। और अब बारी थी जिसके लिए स्टार्टिंग से आदि हमारे पीछे पड़ा था, स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए, क्योंकि इसे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। तो टिप नंबर 4 मैं आपको ये दूंगी कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा बेरीज ना तोड़ें, क्योंकि घर आते तक वो बहुत सारे खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप उतना ही स्ट्रॉबेरी या रेसबेरी तोड़ें जितना आप एक दिन में खा सकते हैं। तो एग्जिट करते वक्त यहाँ पर टील है जहाँ पर आप इन सारे चीजों का आपको पे करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी बताया, आपको पर हेड 4 pounds का वाउचर जो मिला है आप उसको यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।